जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अवनीत कौर चटाना है। मेरा नाम हरसिमरत पाल सिंह है। मेरी उम्र 10 साल है। मेरी उम्र 9 साल है। असी खालसा स्कूल फ्रेजर वैली विच पढ़दियां हाँ ते एबिसपोर्ट बीसी विच रहनियां हाँ जो कि कनेडा विच है। अज असी सच्चा सादा कहानी सुनाउण जा रहे हाँ। गुरु नानक देव जी कुछ साल मझां चारदे रहे। जदों ओह 15-16 साल की उम्र के होए तो पिता कालू जी ने उन्होंने व्यापार की जानकारी सिखानी चाही। पिता कालू जी ने गुरु जी ने 20 रुपए दिते अते कहा, जाओ पुत्र जी जाके कोई लाभवंद सौदा कर आओ। गुरु जी ने अपने साथी बाले नूं लिया अते घरों तुर पए। कुछ माइल तुर तो बाद गुरु जी पिंड चूर कलां पहुँचे। उत्थे एक दरख्त हेठां कुछ साधु बैठे सन। कुछ समय उन्हां नाल गल्लां करन तो बाद पता लग्या कि वो कुछ दिन तो भुखे सन। गुरु नानक देव जी बोले, बालिया किसी की भुख दूर करनी ही तो खरा सौदा है। पिता जी ने तो कोई लाभवंद सौदा करन कहा सी, किसी की मदद करनी ही तो खरा सौदा है। पर नानक जी आप जी ने तो पिता जी ने कोई लाभवंद सौदा करन ही कहा सी, आप जी तो इन्हां पैसों नूं फड़के आ गए। गुरु पिता जी ने तो आप जी ने इन्हों पैसों बथेरे करन लई दिते सन। कि गुरु जी बोले, बालिया कहना मन चल। बाले ने गुरु जी दे नाल कुछ समान खरीदया अते उथ तुर पए ते खाली हाथी घर नूं चल पए। पिंड पहुँचे ते बाले ने कहा, गुरु जी पिता कालू बहुत गुस्से होंगे क्योंकि तुसी काली हाथी घर जा रहे हो। पिता कालू ने ता बलवंड सौदा कर क्या सी, लाभवंड सौदा कर क्या सी। गुरु जी ने बाले ने कहा, पिता जी नू पास जे दसिया सारी गल दसते। बाले ने गुरु जी ने हुक्म कीते ते पालना कीती। बाले ने सारी गल दसती। पिता कालू बहुत गुस्से होया सीगा। ओह उस पिंड चले गया जिते गुरु जी बैठते सन ते बहुत तप्पर मारे। गुरु जी ने बहुत नर मारन नाल गल कीती के पिता जी भुखे साधुआ भोजन छकाना चाहिदा सी, ओह बहुत करा सौदा है। पर पिता कालू ने नहीं सुनिया गल ते मारे गया। बाले ने गुरु जी दी भैन नू बेबी नानकी नू लेके आया। बेबी नानकी गुरु जी दी वड्डी भैन सी ने गुरु जी ने छड़ देता पिता कालू नू ते फिर अते उन्हां ने सुल्तानपुर लोधी ले गए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।